Hello everyone, welcome to Splendid the Teacher. In this video we will study about conjunction. This is the 7th part of speech from the 8th part of speech that we are learning. We have already discussed about noun, pronoun, verb, adverb, adjective and preposition, and this is the 7th part of speech. So let's start. What is conjunction? A word which joins two word to sentence is called conjunction. जो word to word को और to sentence को join करता है उसे क्या कहते हैं? Conjunction. Let's see through the example. Sita and Renu are friends. यहाँ पर क्या है? Sita एक word है and Renu एक word है. और and क्या कर रहा है? इन दो जो word है इन्हें क्या कर रहा है? Join कर रहा है और एक sentence बना रहे. उसे क्या कर रहे हैं? Conjunction. Because and क्या कर रहा है? Sita and Renu इस two words को ज्वाइन कर रहा है. यहाँ पर देखिए, अजय इज अ गुड राइटर, सीमा इज अ गुड राइटर. अजय इज अ गुड राइटर एंड सीमा इज अ गुड राइटर, ये दो सेंटेंस है. यहाँ पर अजय एंड सीमा ये दो राइटर है और इनके बारे में इन सेंटेंस में हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. बट हम क्या कर सकते हैं, विथ यूजिंग कंजंक्शन इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बना सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अजय एंड सीमा आर गुड राइटर. यहाँ पर क्या था, अजय इज अ राइटर एंड सीमा इज अ गुड राइटर. अजय इज अ गुड राइटर, सीमा इज अ गुड राइटर. बट यहाँ पर क्या है, अजय एंड सीमा आर अ गुड राइटर. यहाँ पर क्या किया, इन दो सेंटेंस को हमने क्या किया, एक सेंटेंस में बनाया और विथ यूजिंग दिस वर्ड दैट इज अ एंड दैट इज अ कंजंक्शन. और क्या किया, अजय एंड सीमा आर अ गुड राइटर. मीनिंग भी नहीं चेंज हो रहा और सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस बन रहा है यहाँ पर विद द यूज ऑफ कंजंक्शन. क्या करें, इन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. सो क्या करें, यहाँ पर इन दो वर्ड्स को जोड़ रहा है यहाँ पर एंड यहाँ पर दो वर्ड सेंटेंस को जोड़ रहा है एंड. तो एंड क्या हुआ यहाँ का, कंजंक्शन. यहाँ पर देखिए सेम, द मैन इज पुअर एंड द मैन इज ऑनेस्ट. यहाँ पर दो सेंटेंस, द मैन इज पुअर एंड द मैन इज ऑनेस्ट. द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट, क्या हो रहा है, इन टू सेंटेंस को जोड़ रहा है ए वर्ड बट. तो बट यहाँ का क्या हुआ, कंजंक्शन. तो कंजंक्शन क्या करता है, टू वर्ड्स एंड टू सेंटेंस को जोड़ता है, ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन. यहाँ पर सीता रेणु इस टू वर्ड्स को ज्वाइन किया, यहाँ पर टू सेंटेंस को ज्वाइन किया, यहाँ पर फिर से टू सेंटेंस को ज्वाइन किया. सो यहाँ का एंड एंड बट क्या हुए, कंजंक्शन. बट देर आर 7 कंजंक्शन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो हम देखेंगे वो कौन से कंजंक्शन है. सो यहाँ पर देखिए, आई गो टू द लाइब्रेरी फॉर आई लव टू रीड. सो यहाँ पर क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है रीजन टू लव, टू लव रीड के लव के लिए, टू आई लव टू रीड. ये क्या कर रहा है कि मैं क्यों लाइब्रेरी में जाती हूँ, बिकॉज आई लव टू रीड. सो ये रीजन रीडिंग का कन्वे कर रहा है, कौन सा, ये वर्ड फॉर. और क्या कर रहा है, टू सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है. सो फॉर क्या हुआ यहाँ का, कंजंक्शन. सेम एना लाइक्स टू रीड एंड राइट. क्या कर रहा है, एना की टू हॉबीज क्या बताई जा रही है, बट एक सेंटेंस में. एना लाइक्स टू रीड एंड एना लाइक्स टू राइट, ये दो सेंटेंस थे और दोनों सेंटेंस को किसने एंड इस जो कंजंक्शन है इसने क्या किया, कनेक्ट किया, ज्वाइन किया. सो एंड क्या हुआ यहाँ का, कंजंक्शन. एंड नेवर सेड यस नॉर विल आई एवर से यस. तो यहाँ पर क्या है, नॉर. तो क्या, मैंने कभी भी यस नहीं बोला और मैं कभी भी नहीं बोलूंगी. ये दो सेंटेंस को फिर से यहाँ पर क्या किया, नॉर ने ज्वाइन किया. इट्स सैड बट ट्रू. सेम यहाँ, इट्स सैड बट ट्रू. क्या बता रहे हैं, कन्वे कर रहा है, वो सैड है, सैड है थिंग, बट क्या है, ट्रू है. सो यहाँ पर बट क्या हुआ, ए कंजंक्शन. डू यू वॉन्ट टू ईट और ड्रिंक एनी थिंग. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ईट और ड्रिंक है, यह दो मिस चॉइसेस है और क्या कर रहा है, इस चॉइसेस को अलग मिस एक में ही बता रहा है कि तुम्हें खाना पसंद है या ड्रिंक करना. डू यू वॉन्ट, तुम्हें खाना है या ड्रिंक करना है. यहाँ पर और ये वर्ड क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को चॉइसेस को कन्वे कर रहा है यहाँ पर और ए वर्ड. और यहाँ का क्या है, ये और एक कंजंक्शन है. जॉन स्माइल एट ही वॉज नॉट अम्यूज. सो एट क्या है यहाँ का, कंजंक्शन, बिकॉज ये जोड़ रहा है यहाँ पर, ज्वाइन कर रहा है टू सेंटेंस को. ही शाउटेड सो आई शाउटेड बैक. सो यहाँ पर सो. सो फॉर एंड नॉर बट और एट एंड सो, ये जो 7 कंजंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है ग्रामर के. और यह पर क्या है, ये क्या करे, सेंटेंस को वर्ड्स को यहाँ पर क्या कर रहे, ज्वाइन कर रहे, कनेक्ट कर रहे. यहाँ पर टू सेंटेंस को ज्वाइन किया, यहाँ पर टू चॉइसेस है उसे ज्वाइन किया, यहाँ पर उसके जो टू चॉइसेस है थिंकिंग के उसे ज्वाइन किया, यहाँ पर भी. यहाँ पर देखिए, टू ईट एंड ड्रिंक के, डू यू वॉन्ट टू ईट एंड ड्रिंक एनी थिंग, ये दो सेंटेंस को यहाँ पर ज्वाइन किया. तो क्या करें, टू वर्ड्स को और सेंटेंस को ज्वाइन करते जो वर्ड्स उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं. फॉर एंड नॉर बट और
इट एंड सो, ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, वो हमें याद रखने हैं। बट है, हम आज याद कैसे रखेंगे, एक सिंपल ट्रिक से। यहाँ पर देखिए, फैन बॉयज एक वर्ड है, फैन बॉयज वर्ड हमें याद रखना है। यहाँ पर एफ इज फॉर फॉर, ए इज फॉर एन, एन इज फॉर नॉर, बी इज फॉर बट, ओ इज फॉर और, ए इज फॉर एट, एस इज फॉर सो। या फॉर फैन बॉयज ये क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है इस सेवन कंजंक्शन को, और हमें ये ऐसे ही याद रखने हैं फैन बॉयज से। सो आज हमने देखे कंजंक्शन। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको पसंद है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू।